बेटे आप जरा अरीज को जाके इसके घर छोड़ दो। नहीं आंटी मैं चली जाऊंगी। नहीं बेटे तुम्हारे अब्बू क्या कहेंगे कि जब जाने की इजाजत लेनी थी तो फोन कर लिया और अब मेरी बेटी को बहिफाजत घर नहीं पहुंचा सकते। ऐसे नहीं हो सकता, छोड़ के आएंगे ना आपको। आप छोड़ आए, मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकूंगी फिर वापस से। डन, चले। ओके बेटे अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ठीक है मैं फिर फोन कर दूँ। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरीज थैंक यू। किस लिए? मम्मी का स्तना ख्याल रखने के लिए और ये सब झेलने के लिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने इसी काम के लिए तो रखा है मुझे, मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ, वो भी पता नहीं ठीक से कर पा रही हूँ या नहीं। आपने मेडिसिन ले ली थी? अब मैं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हो। एक्चुअली मैंने बड़े दिन बाद मम्मी को इस तरह खुश देखा है। बात जॉब करने की नहीं होती है, इंसान खुश उसी वक्त होता है जब उसको मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिल रहा हो। पर आप तो जानती मम्मी किस तरह के जहनी दबाव का शिकार रहती। अब ना चाहते हुए भी मम्मी के साथ चली गई थी, उसके लिए थैंक यू। अब आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस सिर्फ शुक्रिया दिखाना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।